हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल रिलेटेड टू योर टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट वी विल टेक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हियर सी दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इन दिस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन फ्रॉम ज़ीरो से लेके आपका थ्री तक डिस्प्लेसमेंट तक एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। फिर थ्री से फाइव सेकेंड से सेवन सेकेंड तक आप ये देखो कि ये टाइम एक्सेस के पैरेलल जा रहा है, और फिर सेवन से लेके नाइन सेकेंड तक ये फिर से इस तरीके से बढ़ रहा है। अब इस ग्राफ में दे रहा, देखो ये एक डिफरेंट लाइन, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन अगेन वी आर गेटिंग लाइन। ओके, अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है हमें, ज़ीरो से लेके फाइव सेकंड तक के बीच में कितनी वेलोसिटी है। अब ज़रा समझिए, ज़ीरो से फाइव सेकंड तक ये वाला हम पोर्शन लेंगे। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हमको वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या होता है कि डी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी देखें, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो थ्री और ज़ीरो, और यहाँ पर फाइव और ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, थ्री माइनस ज़ीरो, फाइव माइनस ज़ीरो, दैट इज़ द थ्री अपॉन फाइव, दैट इज़ पॉइंट सिक्स, पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी निकल के आएगी किस केस में, जब हम ये वाला ले रहे हैं ज़ीरो से लेके फाइव सेकेंड तक। अब ज़रा फाइव से सेवन तक कहानी देखो, फिर से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए हमको, वेलोसिटी निकालने के लिए हमको फिर से यही फार्मूला लगाना पड़ेगा कि डी टू माइनस डी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो कि टी टू माइनस टी वन, दैट इज़ तो सेवन माइनस फाइव। ओके, डिफरेंस कितना है, ये सेवन और ये फाइव, और डिस्प्लेसमेंट कितना रह रहा है, थ्री और थ्री, सेवन पे भी थ्री और फाइव पे भी थ्री, तो यानी थ्री माइनस थ्री। और यही चीज़ हमने याद कराई थी, याद करो कि अगर टाइम एक्सेस के हमेशा पैरेलल जितनी लाइन होगी उसकी वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी, और यही देखिए निकल के आ रही कि वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी, यही याद कराया था। और ये भी याद कराया था कि अगर टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो आपका हमेशा जो वेलोसिटी मिलेगी वो कॉन्स्टेंट मिलेगी और पॉजिटिव होगी। तो यहाँ देखिए पॉइंट सिक्स आ रहा था, माइनस साइन नहीं आ रहा है। ओके, देन हियर वी विल सी नाउ थर्ड पॉइंट कि सेवन से लेके आपका नाइन तक में कितनी वेलोसिटी आई। तो नाइन पे ज़रा डिस्प्लेसमेंट देखिए सेवन है, और सेवन पे डिस्प्लेसमेंट थ्री है, तो डी टू माइनस डी वन, तो यहाँ पे फिर से हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो d2 टू माइनस डी वन, दैट इज़ इट विल कम सेवन माइनस थ्री। ओके, सेवन माइनस थ्री, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नाइन माइनस सेवन। ओके, नाइन माइनस सेवन, तो अब सेवन माइनस थ्री फोर, नाइन माइनस ये दिस इज़ टू, तो दिस इज़ टू मीटर पर सेकेंड। अब ये जो है हमारी दो मीटर पर सेकंड की जो है हमारी वेलोसिटी मिल रही, यहाँ पे दो मीटर पर सेकंड की, यहाँ पॉइंट सिक्स थी, यहाँ ज़ीरो थी। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है किस पार्ट में सबसे ज़्यादा थी, तो लास्ट वाले पार्ट में जो है इसमें सबसे ज़्यादा थी। कहाँ पे ज़ीरो थी, इस पॉइंट में जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी ज़ीरो थी। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेक्शन पे कितनी हमारी वेलोसिटी आ रही है। अब क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फाइव टू नाइन सेकेंड। अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फाइव से नाइन सेकेंड में, फाइव से नाइन सेकेंड में आपका यहाँ पे ज़रा डिस्प्लेसमेंट हम देखें कहाँ तक गया। फाइव से सेवन तक तो डिस्प्लेसमेंट जो था सेम ही रहा है, थ्री थ्री रहा है, और फिर ये थ्री से बढ़ के सेवन हुआ, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो गया यहाँ से यहाँ तक कितना गया है हमारा डिस्प्लेसमेंट, सेवन, और ये से इसमें थ्री चला गया, यानी फोर डिस्प्लेसमेंट गया हुआ है। ओके, फोर डिस्प्लेसमेंट गया हुआ है, और हमारा ये कितना है टाइम डिफरेंस, नाइन माइनस फाइव,
तो डेट इज़ द फोर। तो हम जब यहाँ वेलोसिटी के लिए लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस ये, और यहाँ पे डिस्प्ले ये टाइम का डिफरेंस। अब ज़रा देखो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 7 था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 पे कहना है ना, तो 3, तो 7 माइनस 3, और यहाँ 9 माइनस आपका 5, सॉरी नॉट 4, तो ये हो गया 4/4, दैट इज़ द 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ से यहाँ तक के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकल के आई। आई होप सो अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब एक ये ग्राफ लेते हैं हम। यहाँ देखिए ये बिल्कुल अलग तरीके का है, ए से बी गया है, फिर बी से सी गया है, सी से डी आपका हॉरिजेंटल लाइन है, फिर डी से ई, यानी कि ये इसी लाइन एक्सेस पे मिल रहा है, यानी जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे आ गया है। ई से लेके एफ तक अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर एफ से जी, फिर आपका कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि टाइम एक्सेस के पैरेलल लाइन मिल रही है, और जी से एच, यानी एच पॉइंट, ई पॉइंट, ए पॉइंट, यानी कि जहाँ पे गया था वहीं पे आ गया है। ओके, तो ए ई एच वो पॉइंट है जहाँ पे गया स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं पे लौट के आया है। दूसरी बात, अब हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे देखिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ साइक्लिस्ट का दिया हुआ है, हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड यहाँ तक। अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जरा 4 की तो देखिए, 4 पे कितनी है, 10 सेकेंड है, यानी 4 सेकेंड में इसने जो है आपका 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस चला 10 और टोटल टाइम में मैं 4 दिया है, तो 10/4 दैट इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान देना, ये एवरेज वेलोसिटी निकाली है हमने, इसलिए कि तो इसको निकालने का अलग डिफरेंट है, इसलिए कह रही हूँ। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी निकाल दी। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द 10 सेकेंड। अब जरा जरा देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेकेंड, यहाँ से देखिए ए से ई पे, ई पे तो वापस उसी जगह आ गया। अब ई के बस 7 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है -10 मीटर। तो डायरेक्टली यू विल राइट आंसर हियर, -10 मीटर। ओके, इसके बाद द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने बताया ना, ए ई एच ये वही सब स्टार्टिंग पॉइंट को शो कर रहे हैं, तो ई पॉइंट और एच पॉइंट, वो उस पर कौन सा टाइम है, ई पे 7 सेकेंड, एच पे 13 सेकेंड। तो 7 सेकेंड और 13 सेकेंड पर आपका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है। तो यू विल राइट हियर डायरेक्टली, नो नीड टू डू कैलकुलेशन हियर। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगेन इट वॉज गिवेन 2 लाइन्स, ओके, एंड दीज आर डिफरेंट लाइन्स, और जब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट की है, क्रॉस की, यानी कि जब हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना शुरू किया तो हमारी इस बॉडी का मतलब ए बॉडी ने चलना शुरू किया है, और उस समय ये 40 किलोमीटर चल के आ रही थी डिस्प्लेसमेंट, यानी बी कहीं पहले से चल के आ रही थी। अब जरा क्वेश्चन में देखें, अहेड रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टार्ट ऑफ स्केच ऑफ मोशन ऑफ 2 कार्स ए एंड बी। ओके, अब जरा हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देखने से पहले। तो हमने पहला पॉइंट ये देखा, स्टार्टिंग टाइम पे जो ये वाली लाइन थी, ए ने चलना शुरू किया जब हमने ग्राफ बनाना शुरू किया, लेकिन बी पहले से चल के आ रहा था, 40 किलोमीटर चल के आया। ओके, अब ये दोनों कहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे जाके क्रॉस हुए, यानी कि जब हमने ग्राफ बनाना शुरू किया तो 2 आवर्स बाद ये दोनों के दोनों ए और बी बॉडी जो हैं ये मिले हैं, ठीक है। और ए और बी पे इनका कितना वो आ गया था, ये 80, ए वाली बॉडी कहाँ पे पहुँच गई थी, 80 किलोमीटर पे ये पहुँच गई थी। ओके, इसके बाद अगर ये पूछा जाए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो बेटा हॉरिजेंटल लाइन के साथ आप देखो एंगल, इसका एंगल देखो, इसका एंगल देखो, आपको कंफ्यूजन हो तो अपने उसे मेजरिंग, जिससे एंगल मेजर करते हो उसे देख लो, तो इसका एंगल ज़्यादा आ रहा है, इसका एंगल कम आ रहा है, इट मीन्स
which one having more angle, it means which that the more velocity, it means in this part A having greater velocity compared to B. So I hope so you understood this question. Now you will try. If you having any problem, you can send me message in comment box. Okay, I will try to solve again. Thank you.